हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल द जजर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में। जो पहले जो एम नरसिम्हम कमेटी हम बैठाई गई थी, उसके गोल्स क्या थे, वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या मेजर स्टेप्स उठाए गए और उसका आउटकम क्या था, फ्यूचर में कौन से चीज़ों पर हमें फोकस करना है, इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। दो कमिटीज बेसिकली मैम नरसिम्हम के चेयरमैनशिप में आए थे। पहला कमिटी जो था वो बैंक्स के ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और प्रोसीड्योर्स पर एग्जामिन कर रहा था। दूसरा कमिटी जो था वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के इश्यू को एग्जामिन कर रहा था। ओके, इनके गोल्स क्या थे? गोल्स में बेसिकली ये था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी था बैंक का, उसको इम्प्रूव करना था, उसको करेक्शन करना था। और इसी के अंदर ही आता है हमारा मॉनिटरी पॉलिसी और जो एक्सचेंज रेट, जो इंटरेस्ट रेट, इन चीज़ों पर फोकस करना है। दूसरी बात क्या थी? जो फाइनेंशियल हेल्थ होता है, जो फाइनेंशियल कंडीशन था बैंक का, उनको इम्प्रूव करना था। ये कैसे करना था? रिकैपिटलाइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू इंसेंटिव सिस्टम को चेंज करके हमें जो बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो चेंज करना था। टू एस्टैब्लिश द रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू असिस्टेड इन मॉनिटरिंग ऑडिट। बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बैंकों का, उनको एस्टेब्लिश वो डेवलप करना था। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। और क्या था? टू इम्प्रूव द कम्पिटेंस बढ़ाने के लिए जो बैंकों के जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस था, उसको ज़्यादा रिव्यू करने की ज़रूरत थी, उसको ज़्यादा एफिशिएट कराने की ज़रूरत थी, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, कम्पिटेटिव कैंडिडेट है, वो लोग बैंकों में आए और बैंकों की एफिशिएंसी बढ़ाए। और क्या था? टू इम्प्रूव द एक्सेस टू फाइनेंशियल सेविंग्स, टू रिड्यूस इंटरमीडिएशन कॉस्ट एंड डिस्टर्शन इन द बैंकिंग सिस्टम। जो इंटरमीडिएशन कॉस्ट होता है और जो डिस्टर्शन होता है, इन चीज़ों पर फोकस करना था। कंपटीशन जो बैंकों के बीच में जो कंपटीशन होता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना था, ताकि फ्री एंट्री और एग्जिट से कंपनीज बिना किसी झंझट से किसी भी इस बैंकिंग सेक्टर के फील्ड में आ सके। और जो बैंकिंग लॉस करती है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है उसको, वो इजीली इससे पुल आउट कर सके। इसलिए इस एक लेवल, इससे क्या होता है कि एक कम्पिटेटिव लेवल प्लेइंग फील्ड आता है। तो जनरली देखा गया है कि जहाँ पर एक कम्पिटेटिव मार्केट होता है, वहाँ पर कंपनीज की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था इससे कि बैंकों के अंदर जो कंपटीशन बढ़ेगा तो उनका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। और क्या था? जो एक कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट थी, इनके बीच ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंसी डेफिनेशन डेवलप करने की एक गोल रखा गया था। इस पर क्या स्टेप्स लिए गए? स्टेप्स के तो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट से ये तो ऑलरेडी इश्यूज थे। तो बेसिकली क्या किया गया? जो SLR और CRR थे, उसके रेट को रिड्यूस किया गया। पहले क्या होता था कि जब आप कोई बैंक ओपन करते हैं, आपको पहले कुछ जो अमाउंट है SLR के अंदर यह होता है कि आपको कुछ अमाउंट आपके पास रखने होता है, ताकि कोई क्राइसिस के वक्त आप वो क्राइसिस को झेल जाए, बैंकों का क्राइसिस को झेल जाए। इसके आपको लिक्विडिटी फॉर्म में रखना था, या तो आप गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं या फिर आप कैश के फॉर्म में रख सकते हैं। दूसरी बात, CRR क्या था? ये कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है? आप सेंट्रल बैंक के पास कुछ कैश डिपॉजिट करना होता है आपको फ्यूचर के लिए। बेसिकली ये जो दोनों रेट थे, इनको कम करा गया ताकि जो बैंकों के पास जो कैश अवेलेबिलिटी है वो बढ़े। क्योंकि इससे क्या हो रहा था, जो सेविंग्स से है वो बढ़ रहा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। बैंक सेविंग्स करेंगे तो वो बिजनेस किस में करेंगे? उनको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो तो ज़्यादातर पैसा अपना रिजर्व में ही लगा रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को कम कर दिया गया। और जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है, रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ है, उनको मॉडिफिकेशन किया गया। अल्टरनेटिव मॉनेटरी कंट्रोल्स की डेवलप करी गई और सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स भी डेवलप किए गए। और क्या किया गया? जो जैसे कि पहले हम गोल में बात कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत थी, तो बेसिकली जो बैंकों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, इन पर ट्रांसपेरेंसी लाया गया। और जो बैलेंस शीट थी उसको क्लियर किए गए। बैलेंस शीट में जो एसेट्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया गया, जो इम्पेयर्ड एसेट्स थे उनको प्रोविजन किया गया, इम्प्रूविंग रिस्क एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और एडप्टिंग
बाय अडोप्टिंग प्रोडेंशियल नॉर्म्स ऑफ एडू कैपिटल एडिक्वेसी। और क्या किया गया, जो बैंकों के जो ट्रांजैक्शन होते थे उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कंप्यूटराइजेशन किया गया और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटी दिया गया। और क्या किया गया, जो मशीनरी थे बैंक्स के उनको डेवलप किया गया और एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए प्राइवेट बैंक्स का इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइवेट बैंक आने से जो कंपटीशन मार्केट थी वो बढ़ गया और उन बैंक्स को वाइडनिंग करने के लिए जो उनका जो लेवल जो फेल्ड होता है उसको वो कितना भी स्प्रेड कर सकते हैं उनको कोई भी लिमिटेशंस नहीं था। और क्या था, जो इश्यू था जो ये जो बहुत सारे बैंक्स आ गए थे ऑलरेडी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स भी आ गए थे, इसके लिए जो रेगुलेशन लॉज थे जो रेगुलेशन थे जो सुपरविजन थे उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी, वो स्ट्रेंथन किया गया। और क्या गया, फर्दर एक ट्रांसपेरेंट एंड इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम के लिए जो कि डेवलप्ड होता रहा, इसके लिए बैलेंस डेवलपमेंट की डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। इसका आउटकम क्या था, क्या नतीजा निकला था, इससे आउटकम जो था वो रियली इम्प्रेसिव था। जो बैंक्स ऑलरेडी लॉसेस में जा रहे थे वो लोग प्रॉफिट कमा रहे थे और ये जो नया जो टेक्नोलॉजी आया था जो उनको जो नए नए पावर्स दिए गए थे इससे उनका एफिशिएंसी बढ़ रहा था। तो फ्यूचर में किन चीज़ों पर फोकस करना था, फ्यूचर में बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करना था जो इनकी बैंक की नीड होती है, रिकवरी मैनेजमेंट जो कि जो भी इन्वेस्ट करता है या लोन देता है गवर्नमेंट जो बैंक सॉरी गवर्नमेंट नहीं बैंक तो उसको रिकवरी करने की भी ज़रूरत थी, इसलिए रिकवरी मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी। दूसरी ओर क्या था, टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिटी के भी फोकस करना था, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बढ़ाना था ताकि रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये सब भी लोगों को एक प्रैक्टिस की तरह हो जाए ताकि वो आगे जो अगर ऐसे कोई सिचुएशन आए कंपनी के प्रॉफिट बढ़ा सके, बैंकों के प्रॉफिट बढ़ा सके। और क्या था, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना था। ओके, तो इन चीज़ों पर बेसिकली ये पांच चीज़ों पर फोकस करना था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।